हेलो दोस्तों स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में आइए डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे दो द यूजुअल परसेप्शन अबाउट वॉलैनोज रिवॉल्व अराउंड इट बीइंग अ नेचुरल डिजास्टर बट इट आल्सो हैज़ बेनिफिट्स फॉर पीपल एंड लैंडस्केप एक्सप्लेन जब भी हम वॉलकैनोज़ के बारे में पढ़ते हैं हम ये देखते हैं कि उसकी नेचुरल डिजास्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्या उसे माना जा सकता है कि वो एक ऐसा फिननलनल है जो सिर्फ डिस्ट्रक्टिव है जो सिर्फ नुकसान पहुंचाता है देखिए कॉमन परसेप्शन यही है लेकिन अन अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आप ये जानते होंगे कि वॉलकैनिक इरप्शंस आर अ सोर्स ऑफ लॉट ऑफ लैंडफॉर्म्स लाइक आइलैंड्स और चेन आइलैंड्स आइलैंड चेन्स जिसको हम आर भी कहते हैं इसके अलावा वॉल्कैनिक इरप्शन से सॉइल फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है वॉलकैनिक इरप्शन से कई बार ऐसा देखा गया है कि जो वर्ल्ड क्लाइमेट है या ग्लोबल क्लाइमेट है उस पर भी प्रभाव पड़ता है तो इसी वजह से दोनों आस्पेक्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस क्वेश्चन में बेस्ट कैंडिडेट इस क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन है फॉर अ डिफिनीशन ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन जब भी फिनोमिना के बारे में पूछते हैं तो इंट्रोडक्शन में कोशिश करनी है कि हम उसको डिफाइन कर सकें कई बार हमें अपने हिसाब से डेफिनेशन नहीं पता होती है बट जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना होते हैं ठीक है जियो फिजिकल फिनोमिना होते हैं वो आपके ज्योग्राफी के सिलेबस में मैंशन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल लाइक योर बॉल अर्थक्वेक सुनामी इसके अलावा और भी फिनोमेना जो होते हैं जैसे आप साइक्लोन के बारे में पढ़ते हो हरिकेन्स जिनको बुलाया जाता है अटलांटिक एरियाज़ में तो आप इन सब का जो है एक डेफिनेशन का शीट बना सकते हो जो भी फिनोमेना पढ़ते हो चाहे वो पोलर वोटेक्स है चाहे वो जेट स्ट्रीम्स हैं सो एट लीस्ट हैव अ डेफिनेशन इन इन हैंडी विद यू सो दैट यू कैन राइट इट स्टार्ट योर आंसर विद अ डेफिनेशन ठीक है so in, in so it, तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं वॉलकैनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटीरियल इरप्ट अलोंग विद गैसेज पायरोक्लास्ट एंड अदर सबस्टेंसेज ठीक है तो गैसेस वोल्केनिक एश हॉट लावा ये सब निकल रहा है वोल्केनो में से ओके अब इसमें डायग्राम बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वोल्केनो इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द फिनिना और हाउ वोल्केनो टेक्स प्लेस कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि जितना हमें पता है वो बता देते हैं तो वोल्केनिक वॉल्केनिकप्शन कैसे होती है उसके ऊपर हम डिटेल लिखने लग जाएंगे ऐसा नहीं है इसमें डायरेक्टली आपसे इंपैक्ट के बारे में पूछा गया है कि वॉल्केनो का इंपैक्ट

तो टाइप्स ऑफ वॉल्केकैनो करके आप उसको फ्लो चार्ट के थ्रू बता देना बट दैट इज ओनली इफ इट इज़ अ 250 फिफ्टी वर्ड क्वेश्चन इफ़ इट इज अ 150 फिफ्टी वर्ड क्वेश्चन नो नीड स्ट्रेट ऑफ स्ट्रेट मूव ऑन टू कि इसको नेचुरल डिजास्टर क्यों माना जाता है अब क्यों माना जाता है मैं जितने भी इंपैक्ट आप वॉलकैनो के पढ़ते हो उसको बताओगे अब और मोर इंपॉर्टेंटली डिजास्टर भी पता होना चाहिए कि डिजास्टर होता क्या है डिजास्टर इज व्हेन हजार्ड इज एडेड टू रिस्क और वल्नरेबिलिटी ठीक है तो रिस्क और वलरेबिलिटी के साथ एसोसिएट करते हो जब आप हेज़ार्ड को तब वो डिज़ास्टर बनता है अगर कहीं वॉल्कैनिक इरप्शन हो रहा है और बहुत ही रिमोट एरिया के अंदर हो रहा है जिसका किसी भी पॉपुलेशन के ऊपर बायोडावर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो उसको हम सिर्फ हेज़ार्ड बुलाएंगे लेकिन जैसे ही वो लार्ज पॉपुलेशन को प्रॉपर्टी को इकॉनमी को डैमेज करता है तो उसे हम डिज़ास्टर बुलाएंगे तो इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि इसको डिज़ास्टर बुलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए एक तो वॉल्कैनो से लार्ज स्केल डैमेज होता है ठीक है आप मल्टीपल एग्जाम्पल्स ले सकते हो रिसेंट पास्ट की या पुराने जमाने की भी जहां पर वॉलकैनिक इरप्शंस की वजह से बहुत हैवी पॉपुलेशन का नुकसान हुआ आप माउंट पेली का इस्तेमाल कर सकते हो माउंट पेली का एग्जाम्पल दे सकते हो या आपने जीसी लियोंग में पढ़ा होगा मार्टिनिक आइलैंड्स है करीबियन आइलैंड्स वहां पे माउंट पेली वॉल्केकैनो आया तो उस पॉप उस एरिया की एक बंदे को छोड़ के एक इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी पूरी पॉपुलेशन जो है वो वहाँ से वाइप आउट हो गई तो ये सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो अपने आंसर्स के अंदर कि क्यों वॉलकैनो को डिजास्टर समझा जाता है फिर वॉलकैनो से सुनामी जनरेशन भी होता है इट इज़ सम मेनी टाइम्स इट इज़ अ कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ सुनामीज तो सुनामी जनरेशन बहुत ज़्यादा होती है दो में देखा हमने इंडोनेशिया में जब क्राकटाउ माउंट क्राकटाउ की इरप्शन हुई तो उसके बाद सुनामी आई और सुनामी से बहुत सारे जो कोस्टल इलाके थे वहां पे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ उसके साथ साथ वोल्कैनिक इरप्शन के बाद एश और हार्मफुल गैसेस भी इंक्रीज़ होती है सल्फर कंटेंट जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है सिलिका अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे सिलिकोसिस हो सकता है वोल्केनिक एश के अंदर वो एक पाया जाता पदार्थ प्रदा, है सिलिकोसिस जनरली माइनिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जो माइनर्स होते हैं उनको ज़्यादा होता है क्योंकि जब वो सैंड से सॉइल uh, से <coughs> और डस्ट से कांटेक्ट में रहते हैं तब सिलिकोसिस होता है तो वैसे ही वोल्केनिक एश से भी सिलिकोसिस और हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो इस वजह से रेगुलेटर है या इस वजह से वो कार्बन साइकिल के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करता है क्योंकि कई बार सीओ भी रिलीज होता है जो इस इरप्शन ऑफ वॉलकैनो के साथ एसोसिएटेड है नॉट अ वेरी बिग कॉज है ना ग्लोबल वार्मिंग का प्राइमरी कॉज नहीं हो सकता बट कंट्रीब्यूटर जरूर हो सकता है ठीक है <laughs> ओजोन लेयर के लिए भी आप बता सकते हो कि ओजोन लेयर के लिए भी कुछ गैसेस रिलीज होती है बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना तो कंट्रीब्यूशन तो ज़रूर है एसिड रेन का कंट्रीब्यूशन जरूर है क्योंकि जब सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू एसिड रेन सल्फर के जब भी ऑक्साइड कंपाउंड रिलीज होते हैं तो एसिड रेन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं नाउ ये था कि इसको डिजास्टर क्यों माना जाता है और उसके हमने रीजन बताए लेकिन आपसे स्टेटमेंट में पूछा गया है कि इसके बेनिफिट्स भी हैं और बेनिफिट्स और लैंडस्केप के लिए क्या बेनिफिट्स है ये आप सेकेंड पार्ट में सब हेडिंग बना के है ना कनेक्ट कर दोगे कि इट इज़ ऑल्सो द फॉलोइंग बेनिफिट्स आप ये चाहे ना लिखो दो इट्स यूजल परसेप्शन ये ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके वर्ड्स ख़त्म कर देगा वहां पे तो बट अलॉन्ग विद दीज देर आर बेनिफिट्स एज वेल ऐसे करके आप स्टार्ट करोगे बताओगे कि ये वॉलकैनिक निक्शन से कई बार जो है हीट जो है इनकमिंग इंसोलेशन है वो अब्जॉर्ब हो जाती और काफी समय तक एटमोस्फेयर ठंडा रहता है फॉर एग्जाम्पल अठारह में टम्बोरा इंडोनेशिया के वॉलकैनिक की वजह से एक साल ऐसा गया जहां पे देर वॉज एयर विदाउट समर नाउ दिस इज दिस कुड बी बेनिफिशियल ओनली इन द लॉन्ग रन शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग रन में हो सकता है बेनिफिशियल हो क्यों बेनिफिशियल हो क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग के एक्सेलरेशन को कम कर सकता है बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा बेनिफिशियल होगा अगर किसी साल समर नहीं होगी तो क्रॉप्स जो समर वाले हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं ठीक है तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज मतलब अगर मैं इसको uh, अपने आंसर में लिखूंगा तो मैं इसको फर्स्ट पॉइंट नहीं लिखूंगा मैं इसको बाद में लिखना चाहूंगा ऑल दो यहाँ पर आपको ये फर्स्ट लिख रहा है दिख रहा है लेकिन इसको मैं बाद में लिखना चाहूंगा उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वॉलकैनो से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है ठीक है वॉलैनिक लैंडफॉर्म्स की एग्जाम्पल है हवाई चेन ऑफ आइलैंड्स जो कॉन्स्टेंट इरप्शंस एक हॉटस्पॉट वॉल्कैनो के अंदर देखी गई उसकी वजह से हुई है फिर लैंड फर्टिलिटी में आप दो तीन एग्जाम्पल दे सकते हो एक तो आप डेकन की ब्लैक सॉइल का एग्जाम्पल दे सकते हो क्योंकि बेसिकली इट मे नॉट हैव बीन अ ट्रेडिशनल वॉलकैनो, बट हॉटस्पॉट्स के ऊपर से जब इंडियन प्लेट गुजर रही थी हॉटस्पॉट्स के ऊपर से जब इंडियन प्लेट गुजर रही थी उस वक्त डेकन प्लेटू की फॉर्मेशन हुई थी और उसमें जो बेसोल्टिक रॉक है वो ब्लैक सॉइल बनाता है अल्टीमेटली और ब्लैक सॉइल में हम देखते हैं कि कॉटन और बहुत सारे क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं इंडिया में तो लैंड फर्टिलिटी इंप्रूव होती है ये तो होगी इंडिया की एग्जाम्पल आप माउंट वेसुवियस की पहले भी एग्जाम्पल देखी होगी उससे इटली के अंदर बहुत ही फर्टाइल सॉइल आई और जो पोर रिवर है पोर रिवर के आसपास राइस की और बाकी क्रॉप्स की कल्टीवेशन हो पाई अदरवाइज मेडिटेरियन एरियाज की जो सॉइल होती है वो ड्राई होती है ज्यादा फर्टाइल नहीं होती लेकिन इस वेजुवियस माउंट वेजुवियस के इरप्शन के बाद वो सॉइल बॉल्केनिक एश से एनरिच हो गई ठीक है जिसकी वजह से उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ गई कार्बन साइकिल की रेगुलेशन बॉल्कैनोज बहुत अच्छे से करते हैं कार्बन बैलेंस को मेंटेन करते हैं वॉलकैनोज एटमोस्फेयर में वाटर भी रिलीज होता है सो सेवेंटी फाइव टू नाइंटी फाइव परसेंट गैसेज हार वाटर वेपर ये भी इंपॉर्टेंट है अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अब आप एज अ साइकिल देखो तो सल्फर के डिपॉजिट्स ज़रूरी होते हैं इट इज़ नॉट सल्फर इज़ ओनली यू नो हार्मफुल तो सल्फर के अगर डिपॉजिट्स बन रहे हैं अगर वो सल्फर साइकिल में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉल का कॉन्ट्रीब्यूशन uh, और वॉलकैनोज़ के जो बेसिक सोर्स हैं जो जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स यानी कि जियोथर्मल एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल हो सकता है एनर्जी जनरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है कई बार जो ये एरोसोल्स रिलीज uh, करते हैं वो सॉरी uh, कई बार जो ये जियोथर्मल फील्ड्स होती हैं ये वॉलकैनिक एरियाज़ के या एक्टिव वॉलकैनोज़ uh, के आसपास होती तो मे बी इन द कमिंग फ्यूचर यू कैन ट्राई एंड एनसर्कल दैट एरिया कॉल उसको आइसोलेट कर दो और उस एरिया को पर्टिकुलरली जियोथर्मल एनर्जी जनरेशन के लिए हाईलाइट कर दो यूज़ कर दो इस्तेमाल कर दो तो ये सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं बाकी एक दो और भी बेनिफिट थे वो आप पी uh, डी में से पढ़ लीजिएगा पी के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है निश्चय मीन्स फॉर यू पी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्लीपी क्लासेस की तरफ से और सेकेंडली अगर आप चाहते हैं कि आपको गाइडेंस मिले फोर्टी एट डेज आंसर राइटिंग प्रोग्राम में तो उसके लिए भी लिंक जो है नीचे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में एनरोल कर सकते हैं पेड कोर्स है लेकिन वहाँ पर आपको थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक डिस्काउंट मिलेगा टेन परसेंट ठीक है सो लेटेस्ट लेटस्ट मीट इन द नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट सेशन दैट विल बी टुमारो एट 12 पीएम तो कल हम पॉलिटी का क्वेश्चन लेके आएंगे उसको भी अटैम्प्ट कर, करने के बाद उसको पॉज करके लिखने की कोशिश करनी है दैट इज दैट शुड बी द वे पहले लिखो कितना लिख सकते हो और उसके बाद मेरे इस वीडियो के थ्रू देखो कि उसमें क्या पॉइंट्स एड कर सकते हो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे